नमस्कार पुवार हिरनाम स्टुडिओत मस्मिता आज भारत पा पे कोविड 19 भैक्सिन ड्रग कंट्रोलर जेनेरल अफ इंडिया चूड़ान अनुमोदन जानवर सम्भावना आज दिन केन्द्र सरकार कमिटी कोविशिल्ड और कोवैक्सिन जरूरकालीन अनुमोदन परामर्श दियार पिछत डिसीजीआर यह पदक्षेप एक जानुवारी केन्द्रीय औषध मान नियंत्रक संगठन विशेषज्ञ कमिटी सेराम इन्स्टिट्यूट इंडिया कोविशिल्ड नामेरे प्रस्तुत कर इंग्लैंड अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका उद्भावन कर प्रतिषेधक जरूरकालीन व्यवहार अनुमोदन डिसीजीआई परामर्श दी दुई जानुवारी हैदराबाद भारत बायोटेके आई सी एम आर सहित मिली उद्भावन कर देशियों प्रतिषेधक कोवैक्सिनक प्रयोजन सपेक्षे सीमित जरूरकालीन व्यवहार अनुमोदन परामर्श दी उल्लेख्य कोवैक्सिन एतिया तृतीय पर्यायर परीक्षण सम्पूर्ण हुआ ना डिसीजीआर अनुमोदन पिछत दुटा भैक्सिने भारत बैधता लाभ शनिवार समग्र देशते भैक्सिन प्रदान ड्राई रान सम्पन्न केन्द्र सरकार जो प्राय 115,000 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भैक्सिन प्रदान प्रशिक्षण दिया नलबारी सहर माजमजिया निशा एक भयंकर अग्निकाण्ड घटना नलबारी सहर दोल गोविंदपुर संघटित अग्निकाण्ड हिंदुस्तान लिवर गुदाम संघटित अग्निकाण्ड लाख लाख टका सम्पत्ति भस्मीभूत है यह विध्वंसी अग्निकाण्ड फलत नलबारी सहर यह भयंकर अग्निकाण्ड घटना निशार भगत संघटित अग्निकाण्ड नलबारी सहर दोल गोविंदपुर संघटित अग्निकाण्ड और 11 मेर पर अनुषित हम हाईस्कूल शिक्षान्त परीक्षा 12 मेर पर अनुषित हम उच्चतर माध्यमिक चूड़ान परीक्षा 7 जुलाई घोषणा कर हाईस्कूल शिक्षान्त परीक्षार फलाफल 30 जुलाई घोषणा हम उच्चतर माध्यमिक चूड़ान परीक्षार फलाफल टूटार जुगे प्रकाश कर शिक्षामंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा जनाओ जो 11 मेर पर हाईस्कूल शिक्षान्त परीक्षा हम और 12 मेर पर अनुषित हम उच्चतर माध्यमिक चूड़ान परीक्षा 7 जुलाई घोषणा कर हाईस्कूल शिक्षान्त परीक्षार फलाफल 30 जुलाई घोषणा हम उच्चतर माध्यमिक चूड़ान परीक्षार फलाफल टूटार जुगे प्रकाश शिक्षामंत्री हिमंत विश्व शर्मा शीघ्र नियमिया हम राज्य 15,000 शिक्षक चाकरी फेब्रुवारी प्रथम सप्ताह से हम चाकरी नियमियाकरण कोकराझार शिक्षामंत्री ड हिमंत विश्व शर्मार गुरुत्वपूर्ण घोषणा 15,000 शिक्षक चाकरी नियमियाकरण हम फेब्रुवारी प्रथम सप्ताह से हम चाकरी नियमियाकरण कोकराझार यह कथा घोषणा कर शिक्षामंत्री हिमंत विश्व शर्मा फेब्रुवारी माह प्रथम सप्ताह आम चेस्ा प्राय 15,000 शिक्षक चाकरी प्रादेशिक फेब्रुवारी माह प्रथम सप्ताह आम चेस्ा प्राय 15,000 शिक्षक चाकरी प्रादेशिक मरियनी निशा हाबिर मजद उधार गुलिये थका खरका करा युवक मृतदेह निशा युवक मृतदेह उद्धारक लीव्र चांचल्य सृष्टि प्राथमिक अनुसंधान गुलीबिद्ध मृतदेह नागा जांगा चाह बगिचार बर लाइनर उत्तम फुलमाली चिन करुर्वृत्त युवक पिछफल गुली मरार सन्देह कर घटनस्थल मरियनी आरक्षी उपस्थित हो मृतदेह उद्धार कर मरणोत्तर परीक्षार जोरहट चिकित्सा महाविद्यालय प्रेरण कर घटनार जोरदार तदंत आरम्भ कर मरियनी आरक्षी निर्वाचन दिन चमु चापी अहारे स्वरूप सलनी राजनैतिक नेतार रायजक आकर्षित करारे न न कौशल अवलम्बन कर राजनैतिक नेतार नवबर्ष द्वितीयटो दिन बिलनिया रूप देखा गल मंत्री अतुल बराक बोकाखाट महकुमार बैद्युदीन और सभा माध्यम सको सांबा बंधुर सहित निजा बसगृह एखेक अनुषान लगे भगे एसाज खाद्य ग्रहण करारज हाते वितरण कर खाद्य सामग्री विभिन्न समय मंत्रीगढ़ हाल बुआ धान रुआ मास मरा ट्रेक्टर चलवा आदि रूप सकुए देखी आ কিন্তু শনিবার দিনটোত মন্ত্রীগৰাকীক সাংবাদিকে প্রত্যক্ষ করলে বিলনিয়া রূপত মন্ত্রীগৰাকীয়ে সমূহ সাংবাদিকক একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে একোখনকৈ কেলেণ্ডাৰ আৰু ডায়েৰী প্ৰদান কৰে ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো সাংবাদিকক লৈ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে সংবাদমেলত মন্ত্ৰীজনে অহা নিৰ্বাচনতো অগপ বিজেপিয়ে মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি কোৱাৰ লগতে অগপ দলত নতুন মুখ দেখা পাব বুলি আগবঢ়ায় মন্তব্য অগ্ৰহতী শ্ব' এবাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা অলপ সুকীয়া ধৰণে আমি ভাবিছোঁ ভাৰ্চুৱেল হ'ব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে পৃথিৱীৰ বহুকেইখন ৰাষ্ট্ৰত এতিয়াও
ব্যাপক রূপত কোভিড 19 সংক্রমিত হয়েছে আর সেখানে আমি তেনে ধরনের পতার কথা ভাবা নাই কিন্তু দিল্লিস্থ কেগুলা রাষ্ট্রদূতক আমি নিমন্ত্রণ করার কথা আমি পরিকল্পনা করেছো ঠিক তেনেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষি বিভাগের আর বিভিন্ন ঠাই যাক নতুন প্রজন্মর কৃষক সকলক আমি বিশেষভাবে ইয়ালে নিমন্ত্রণ করার কথা ভাবিছো তেনে ধরনের পরিকল্পনা করে আমি ইয়াত 21, 22 আর 23 জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত করবলে আগবাইছো। এক শিহরকারী দৃশ্য, খিৰিকীৰ সিপাৰে প্ৰকাণ্ড গজৰাজ, ভিতৰৰ পৰা গৃহস্থৰ কাকুতি মিনতি। নিশা সামগ্ৰী নিজ ভেলেওগুৰিত কিদৰে সাধাৰণ লোকৰ ঘৰৰ চৌহদত বন্যহস্তীয়ে প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলায় সেই দৃশ্য বন্দী হল ভুক্তভোগী লোকৰ মোবাইল কেমেৰাত। কাব কাকুতি কৰি বন্যহস্তী ঘৰৰ পৰা যাবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছিল গৃহস্থই। সামগ্ৰী গেন্ধালী, আদৰ্শ গাঁও, কেঁকুৰা চুক, হাঁচোৰা পথাৰত এতিয়া বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰিছে গাঁওবাসীক। দীৰ্ঘদিন ধৰি সামগ্ৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পাঁচজনীয়া এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকে সৃষ্টি কৰি আহিছিল। চাৰিটা হাতী বন বিভাগে খেদিবলৈ সক্ষম হয় যদিও জাকৰ পৰা ফালৰি কাটি জনাঞ্চলত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এটা প্ৰকাণ্ড বন্যহস্তীয়ে, যাৰ ফলত আতংকৰ মাজতে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ গঞা ৰাইজে। কোভিড 19 মহামারীয়ে বৃদ্ধি করলে পরস্পর নির্ভরশীলতা, করোনার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যুঁজ দিলে সমগ্র দেশে, ভ্যাকসিন প্রদানের ঘোষণার পিছতে পুনের প্রয়োজন হব সকলের সঁহারির, একত্রিত শক্তিরে দেশের পর আমি নির্মূল করব করোনা মহামারী, এই ক্ষেত্রে প্রতিটি খোঁজতে আপনার সহযোগী হব নেটওয়ার্ক 18। সেই উদ্দেশ্যে নেটওয়ার্ক 18 আরম্ভ করেছে ক্যাম্পেইন সঞ্জীবনী এ শর্ট অফ লাইফ, সকল সুরক্ষিত নহলে কোনো সুরক্ষিত হব নয়, এই বিশ্বাসের প্রতিগী ভারতীয় ভ্যাকসিন সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য নেটওয়ার্ক 18। অষ্টম শ্রেণীত পড়া এটি কিশোরের কথা, কৃত্রিম বুদ্ধিমতার বিষয়ত অসাধারণ কাম করে আহিছে। আইআইটি হায়দ্রাবাদ আর আইআইটি মুম্বাইয়ের দুইটাক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প কাম করে আহিছে এই কিশোরগুলো। 2019 চনের সফটওয়্যার কোম্পানি এটায় ছাত্রগুলো ডাটা ইঞ্জিনিয়ার রূপে কামত নিয়োগ করেছিল আর মাত্র 13 বছরীয় কিশোরগুলো ব্যস্ত কেবাটাও কোম্পানির মার্কেটিংর সমস্যা সমাধানত। এই কোম্পানি সুপার কিজনের সপন কি বিশাল আপনাদের নিজেই চাও। सिर्फ 13 साल की उम्र में क्या कोई बच्चा किसी बड़ी कंपनी का डाटा साइंटिस्ट बन सकता है? सिर्फ 13 साल का कोई बच्चा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जटिल पहेली को सुलझा सकता है? 8वीं क्लास में पढ़ने वाला सिद्धार्थ पिल्लई ये सब कुछ कर सकता है। हैदराबाद में रहने वाले इस सुपर किड का दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। I was seven. As I was really addicted to playing games, my father mostly spending my time with applications. My father basically diverted from me the curiosity of playing games, the curiosity of knowing how these games are created. Siddharth, मौज मस्ती की उम्र में Python और Kafka जैसी मुश्किल कंप्यूटर लैंग्वेज पर महारत हासिल कर चुका है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग की टेंशन को चुटकियों में घटा देगा। और तो और, बिजनेस सॉल्यूशन तैयार करने वाली कंपनी मॉन्टेन का डाटा साइंटिस्ट है ये बालक, और उसे आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी मुंबई से इंटर्नशिप का मौका भी मिला है। When I'm showing the CEO my project, sir, and after the discussion with me and CEO and also all the teammates went on for hours, and so finally got my offer letter, and after 1 week I basically got my offer letter. Siddharth के माँबाप दोनों software engineer हैं। पिता ने 7 साल की उम्र में ही उसके सामने शर्त रखी कि वीडियो गेम तभी खेलने देंगे जब वो ये बताएगा कि वीडियो गेम काम कैसे करता है और उसे बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज और एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है। I try to divert his mind in technology way. Whatever he learn is completely self-learning only.
फ्रॉम ऑनलाइन। जुनून था या बेहिसाब प्रतिभा, सिद्धार्थ का नूर फैलता गया। छोटी उम्र में ही प्लांटिंग लैब ट्री जैसे कंप्यूटर कोर्स करने के बाद उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनियां उसकी उम्र को देखकर हिचक जाती। लेकिन माउंटेन कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ से मिले, आठवीं में पढ़ने वाले बच्चे का इंटरव्यू लिया और तुरंत ही ऑफर लेटर हाथ में थमा दिया। सिद्धार्थ हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाता है तो 3 दिन स्कूल, लेकिन अब कोरोना काल में मीटिंग भी ऑनलाइन लेता है और क्लासेस भी। So in the COVID-19 situation, balancing has become a much easier and a much light period for me, because instead of going 3 days to school, I'm getting to go to school every day in this online world right now. And also trying to spend daily life as working with data science. ऐसा नहीं कि सुपर किड सिद्धार्थ को दूसरे बच्चों जैसे कोई शौक नहीं है। वो भी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है, वो भी अपने छोटे भाई के साथ मस्ती करता है, लेकिन साथ ही बिल गेट्स से भी बड़ा बनने का सपना भी देखता है।